अगर कोई आपको ये बताए कि उसने 7 साल तक एक लाश को अपने पास बचा कर रखा और उसके पीछे की वजह बताई बे इंतहा प्यार, तो आप क्या कहेंगे? प्यार से इतिहास में अपना नाम लिखने वाले कई लोग हैं, जिसमें हीर रांझा, रोमियो जूलियट की कहानियाँ आज भी याद की जाती है। मगर कुछ प्रेम कहानियाँ ऐसी खौफनाक साबित हुई हैं, जिन्होंने सालों तक के लिए प्यार के पैमाने के संबंध में लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसी ही एक कहानी है जर्मनी के एक सनकी साइंटिस्ट की, जिसने कब्र से एक लड़की की लाश को निकाला, उसे अपने घर में दुल्हन बनाकर रखा, जिसने प्यार के नाम पर इंसानियत की सारी हदों को पार कर दिया। ये कहानी है डॉक्टर कार्ल टेंजर की, जिनका जन्म 8 फरवरी 1877 को जर्मनी के ड्रेस्डेन में हुआ। वहाँ उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई की थी। डॉक्टर कार्ल टेंजर की माने तो उन्हें बचपन से ही एक सपना आता था, जिसमें खूबसूरत काले घने बालों वाली एक युवती उन्हें दिखाई देती थी। सपने में उनकी एक महिला पूर्वज भी आती थी और कहती थी, यही युवती तुम्हारा असली प्यार है। बार बार ऐसा सपना आने लगा तो कार्ल ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया। साल 1899 में डॉक्टर कार्ल की शादी हो चुकी थी। उनके 2 बच्चे थे, आयशा और क्लेरिस्टा। लेकिन पत्नी से भी कार्ल अक्सर अपने सपने का जिक्र करते और कहते, उनका असली प्यार वह नहीं बल्कि सपने में आने वाली काले घने बालों वाली युवती है। इसके बाद साल 1926 में बीवी और बच्चों को जर्मनी में छोड़कर डॉक्टर कार्ल नौकरी के लिए अमेरिका जाकर रहने लगे। जर्मनी से अमेरिका आने के बाद कार्ल फ्लोरिडा के मरीन हॉस्पिटल में एक्सरे टेक्नीशियन के रूप में काम करने लगे। जब वो हॉस्पिटल में थे, उनके पास मारिया एलेना हेलन नामक एक मरीज टीबी का एक ऐसी जगह दफनाया जिसके बारे में डॉक्टर कार्ल को नहीं बताया गया। ऐसा इसलिए ताकि दोबारा डॉक्टर कार्ल ऐसा कुछ ना कर सके। फिर भी डॉक्टर कार्ल मरते दम तक एलेना की कब्र को ढूंढते रहे और उसके बाद 3 जुलाई 1952 के दिन डॉक्टर कार्ल की भी मौत हो गई। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करें और बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ।